हाँ तो बच्चों ध्यान दीजिए, पिछले दिन आप लोग फोर्थ चैप्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़े थे, आज आप लोग फाइव चैप्टर में डिवीजन पढ़ेंगे। डिवीजन यानी डिवाइड आप लोग पिछले भी क्लास में बनाए हैं, छोटा छोटा डिवाइड, वही डिवाइड इस क्लास में भी आप लोग को बनाना है। पिछले क्लास में टू डिजिट थ्री डिजिट का बनाए थे, इस क्लास में आपको टू और थ्री डिजिट से अधिक फोर डिजिट फाइव डिजिट सिक्स डिजिट सेवन डिजिट तक का नंबर आपको मिलेगा जिसे आपको डिवाइड करना होगा। तो बच्चों डिवाइड में चार पार्ट होते हैं, पहला डिवाइडेंड, दूसरा डिवाइजर, तीसरा क्वोशिएंट और चौथा रिमाइंडर। बच्चों डिवाइडेंड में कहता है कि द नंबर टू बी डिवाइडेड, यानी जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है, विभाजित किया जा रहा है, उस नंबर को हम लोग डिवाइडेंड बोलते हैं। डिवाइजर द नंबर बाय व्हिच वी डिवाइड द डिवाइडेंड, वह नंबर जिस नंबर से हम डिवाइडेंड को डिवाइड करते हैं उसको हम लोग डिवाइजर कहते हैं। क्वोशिएंट द नंबर दैट वी गेट आफ्टर डिवीजन, डिवाइड करने के बाद जो हमें नंबर प्राप्त होता है आंसर में उसी को हम लोग क्वोशिएंट बोलते हैं। रिमाइंडर द नंबर विच इज लेफ्ट अनडिवाइडेड, जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो नीचे कुछ नंबर बच जाता है जो डिवाइड नहीं होता है, उसी नंबर को हम लोग क्वोशिएंट बोलते ही सॉरी रिमाइंडर बोलते हैं। डिवाइड के बाद जो नंबर नीचे बच जाता है जिसमें डिवाइड नहीं किया जा सकता है उसी नंबर को हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। तो बच्चों ये चारों पॉइंट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इसमें एक फॉर्मूला है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेंड प्राप्त करने के लिए डिवाइजर और क्वोशिएंट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर रिमाइंडर बचता है तो उसको ऐड करेंगे, नहीं बचता है तो ऐड नहीं करेंगे, तो ये आपका डिवाइडेंड आंसर प्राप्त हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल में मैंने दिया है बच्चों कि 246 को 10 से डिवाइड किया जा रहा है, यहाँ तो इसको डिवाइड कीजिए, 10 को 10 से अगर हम 246 को डिवाइड करते हैं तो ये 10 टू डिजिट का नंबर है, तो टू डिजिट में डिवाइड करेंगे, टू डिजिट में आपका नंबर दिख रहा है 24, तो 10 का टेबल पढ़ेंगे 24 आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए, तो 10 टू जा 20, 4 में से 0 काटेंगे 4, 2 में से 2 काटेंगे तो कट गया। इसके बाद नंबर है 6, 6 को यहाँ इसके नीचे डाउन में लिखेंगे 4 के साथ, आप 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 4 जा 40, 6 4 4 कट गया, 6 के बाद कोई नंबर नहीं है तो अब ये 6 में डिवाइड नहीं होगा। तो बच्चों जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है उसको हम लोग डिवाइजर बोलते हैं। 10 को क्या बोलेंगे, डिवाइजर, नीचे जिसमें डिवाइड नहीं हो रहा है उसको कहेंगे रिमाइंडर। जो आपका आंसर आएगा इसको हम लोग बोलेंगे क्वोशिएंट। क्वोशिएंट और जिसमें डिवाइड किया जा रहा है इस नंबर को हम बोलेंगे डिवाइडेंड। डिवाइडेंड तो बच्चों ये डिवाइडेंड लाने के लिए हम इसको इस फॉर्मूला को चेक करते हैं। यहां कहता है कि डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट,
तो डिवाइजर कितना है 10 और कोशियंट कितना है 24। तो बड़ा वाला नंबर ऊपर रखते हैं, 24 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 04 जा 0, 02 जा 0, फिर 14 जा 4, एक अंक छोड़ करके यहाँ से लिखते हैं 1 के नीचे से, और 12 जा 2, इसको ऐड करते हैं कितना आ गया 240। क्या आ गया 240। अब इसमें कहता है कि प्लस रिमाइंडर, इस रिमाइंडर को यानी 6 को इसमें ऐड करेंगे 246। ये देखिए ये आपका डिवाइडेंड आ गया 246 हो गया। तो इस प्रकार से इस डिवाइड को इस तरह चेक भी करते हैं कि हमारा डिवाइड सही है या नहीं। चेक करने से डिवाइडेंड भी निकल गया और मेरा चेक भी हो गया कि मेरा सवाल ये सही है। तो बच्चों इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए ये आपको चारों पॉइंट आपके दिमाग में रखना होगा, डिवाइडेंड, डिवाइजर, कोशिएंट, रिमाइंडर। डिवाइडेंड जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है उसको डिवाइडेंड, डिवाइजर जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है उसको डिवाइजर, और जो डिवाइड के बाद जो आंसर प्राप्त होता है उसको हम लोग कोशिएंट बोलते हैं, और नीचे जो नंबर बचता है जो डिवाइड नहीं होता है उस नंबर को हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। तो ये चारों पॉइंट बच्चों आप लोग याद रखेंगे।